नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे पास एक मर्फी रिचर्ड का लाइट वेट प्रेस है, तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और चेक करते हैं पहले इसमें क्या प्रॉब्लम है और फिर इसको ठीक करते हैं। ये हमने एक बोर्ड ले लिया है और चलिए प्लग लगाते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, ये थर्मोस्टेट भी मैंने ऑन करके देख रहा हूँ, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रही है। चलिए अब इसको खोल कर चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। बैक कवर का स्क्रू खोल लिया है और ये हमने एक और स्क्रू खोल के मेन लीड थोड़ी लूज कर लिए और ऊपर का ये कवर हमने हटा लिया है। ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर को भी हमने थोड़ा साइड कर लिया और ये हैंडल में जो अंदर की तरफ एक स्क्रू लगा है उसको भी खोल लिया है। और ये जो थर्मोस्टेट की नॉब है इसके नीचे हमारे दो स्क्रू मिलेंगे, वो भी हमें खोलने पड़ेंगे ताकि ये ऊपर का हैंडल निकल सके। दोस्तों, हैंडल हमने निकाल लिया है और हमारे पास फिर से ये एक सीरीज टेस्टर है, इसकी मदद से हम मेन लीड को चेक करेंगे। ये ठीक है, दूसरे पॉइंट को भी हम ऐसे ही चेक कर लेंगे। ये प्लग की दूसरी पिन पे लगाते हैं और प्रेस की अंदर जो लगी दूसरी वायर को, दूसरे पॉइंट को ये भी चेक करते हैं, अभी ठीक है। और प्रेस के अंदर से जो कनेक्शन आ रहे हैं उनमें कोई कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही है। चल दोस्तों, मेन लीड को हटा के कवर खोल लेते हैं और सबसे पहले हम ये कनेक्शन हटा लेंगे। और ध्यान रहे, और आप तो जहाँ से जो कनेक्शन हटाएं दोबारा वहीं पर लगा दें। और हमने ये इंडिकेटर भी निकाल दिया है। दोस्तों, ये जो है ये इसका एलिमेंट है, सबसे पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्त, इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, इसका मतलब ये हमारा ये एलिमेंट ख़राब है। और ये थर्मोस्टेट है, ये थर्मोस्टेट बिल्कुल ठीक है, ये एलिमेंट ही गड़बड़ है। ये एलिमेंट हम इसको चेंज करेंगे। चलिए चेंज करते हैं इसको। उससे पहले हम इसका थर्मोस्टेट खोल लेते हैं। थर्मोस्टेट हमने खोल लिया है दोस्तों, ये देखिए। और अब हम इसका एलिमेंट एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से निकाल लेंगे। बहुत ही दोस्तों, ये कंपनी से जो लग के आता है वो मशीन से इसको अच्छे से पंच करके फिट करते हैं, तो ये थोड़ा निकलने में परेशानी तो ज़रूर करेगा, लेकिन हमने अगर एलिमेंट चेंज करना है तो इसको निकालना तो पड़ेगा दोस्तों। चलो थोड़ा ध्यान से हाथ बचा के इसको निकालना, स्क्रू ड्राइवर कहीं आपके हाथ में ना लग जाए, बहुत ही सावधानी से। ये धीरे धीरे देखिए, अब ये निकलना स्टार्ट हो गया है और हम इसको ऐसे ही निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने बहुत धीरे धीरे कोशिश करते हुए इसको निकाल लिया है और अब ये थोड़ा सा ही बाकी रह गया है, इसको भी हम धीरे धीरे करके निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये निकल गया। देखिए, ये इसका एलिमेंट है जो हमने इसमें से निकाल लिया है। और अब इसका थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, जो स्क्रू ड्राइवर के इसमें निशान आ गए हैं तो उसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, और हमारे पास ये एक इसका एलिमेंट है जो मार्केट में मिल जाता है और इसको हम फिट करने वाले हैं। इस हमारे पास एक ये वाइस है, वाइस से ही हम इसको प्रेस करेंगे। वैसे तो हम इसको लकड़ी की गुटके की सहायता से भी इसको ठोक सकते हैं इसके अंदर, लेकिन गुटके में थोड़ा सा ये रहता है डैमेज होने का डर
रहता है और एलिमेंट के ख़राब हो जाने का भी डर रहता है। दोस्तों हमने इस वाइस की मदद से देखो इसको प्रेस करते हुए एलिमेंट को फिट कर रहे हैं और ये अच्छे से फिट भी हो रहा है। इसमें देखिए थोड़ा सा रह गया है, ये हमने इसको भी प्रेस कर लिया है और ये बिल्कुल अच्छे से एकदम से फिट भी हो गया इसके अंदर। चलिए अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा एलिमेंट डैमेज तो नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों सीरीज आ रही है और ये अर्थ भी नहीं है कहीं से। ठीक है अब हम इसको फिटिंग कर लेते हैं, थर्मोस्टेट फिट कर लेते हैं जहाँ से हमने खोला था। जैसे ही अब इसकी फिटिंग शुरू करते हैं। दोस्तों फिटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये बैक कवर एक आखिरी रह गया है, इसको भी हम लगा लेते हैं और इसका बैक कवर का ये स्क्रू भी लगा लेते हैं और फिर इसको हम चेक करेंगे। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं और ये एक नॉब भी थर्मोस्टेट नॉब रह गया है, इसको भी हम सेट कर लेते हैं सही से। देखिए ये ठीक है, ये सेट हो गया है सही से। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये प्रेस काम कर रही है कि नहीं कर रही। ये देखिए दोस्तों वो थर्मोस्टेट से हम ऑन करते हैं, ये देखिए इंडिकेटर जल गया है ना और अब ये गर्म होना शुरू हो रही है धीरे धीरे। अब ये गर्म होना शुरू हो रही है और अब ये जो इंडिकेटर है इसको भी ये भी टेस्ट हो जाएगा, थोड़ी सी गर्म होगी तो ये ऑटो कट कर जाएगा। ऑटो कट करने से इंडिकेटर बंद हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि थर्मोस्टेट भी सही है। देखिए दोस्तों इंडिकेटर बंद हो गया है तो प्रेस बिल्कुल ठीक हो गई है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।